ठीक है, ये रहा पावर इन्वर्टर, ये मैं इसमें ये लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओके दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो डीसी कन्वर्टर बॉक्स होता है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके का डीसी कन्वर्टर बॉक्स और पावर इन्वर्टर, जो कि इस तरीके का होता है पावर इन्वर्टर, इन दोनों में क्या अंतर है, कौन सा आपको लेना चाहिए और जो है किसकी कॉस्ट महंगी होती है एटसेट्रा, ये सब बात करेंगे। वीडियो को आइए पूरा देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा डीसी कन्वर्टर बॉक्स, जो कि 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट की डीसी को कन्वर्ट करता है 222 वोल्ट की डीसी में ही, ठीक है। इसकी आउटपुट डीसी रहती है, ठीक है, ये एसी आउटपुट नहीं देता। जो पावर इन्वर्टर होता है वो 12 वोल्ट डीसी लेता है, आउटपुट में 220 वोल्ट की जो है एसी देता है, यानी कि ये पूरी तरीके से इन्वर्टर है। आउटपुट में जो इसकी आउटपुट की वेवफॉर्म होती है वो मॉडिफाइड साइन वेव होती है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से इन्वर्टर आउटपुट में एसी देता है, ये एसी नहीं देता है, डीसी देता है 240 वोल्ट की। दोनों को चला के बताऊंगा मैं। कन्वर्टर बॉक्स से आप एलईडी बल्ब, स्मार्टफोन चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग, ये सब कर सकते हैं। टंगस्टन वाला बल्ब भी आप जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पावर इन्वर्टर से आप कुछ भी चला सकते हैं, ठीक है। घर का जो भी लोड आप इन्वर्टर चलाते हैं और जो 200 वाट के अंदर का लोड है, वो इस छोटे 300 वाट के पावर इन्वर्टर से हम ये सब कुछ चला सकते हैं, जो कि 200 वाट के अराउंड होगा, ठीक है। कन्वर्टर बॉक्स इंडक्टिव लोड को नहीं चला सकता, ठीक है। इंडक्टिव लोड मतलब कि हमारा सीलिंग फैन, टेबल फैन, एसी मोटर्स और ट्रांसफार्मर से संबंधित कोई भी सप्लाई या डिवाइस, इसको ये कन्वर्टर बॉक्स नहीं चला सकता, जबकि हमारे जो पावर इन्वर्टर है ये सभी प्रकार के इंडक्टिव लोड को सपोर्ट करेगा, ठीक है। यानी कि सीलिंग फैन भी चला देगा, टेबल फैन भी चला देगा, कोई मोटर है छोटी 200 वाट तक की उसको भी चला देगा, ठीक है। ये पावर इन्वर्टर हमारा 300 वाट लिखा है तो 200 वाट तक रेटेड काम करता है, पीक 300 वाट पे काम करेगा, मतलब कि 300 वाट का लोड हम थोड़ी देर के लिए चला पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा नहीं चल जाएगा, लेकिन 300 वाट से कम चलाएंगे तो ये सेफ तरीके से काम करेगा। कन्वर्टर बॉक्स जो है ये मेरा, ये 100 वाट वाला है, ठीक है, 100 वाट वाला है, तो मैक्सिमम इसमें 80-90 वाट का बल्ब चला सकते हैं, सेफ रेंज में 50 वाट का हम इससे बल्ब चलाएंगे। अब देखिए ये कन्वर्टर में मैंने लगाया एलईडी बल्ब और ये हमारा जल जाएगा बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए, ठीक है। तो कन्वर्टर का बेसिकली इस्तेमाल, जो कन्वर्टर बनाया गया था वो इसलिए ही कि इससे हम टीवी चला सके, जैसा कि इस पे मेंशन है, और एलईडी बल्ब या सीएफएल वगैरह चला सके, उसके लिए बखूबी है और इसके कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, 500 रुपए के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे इंडक्टिव लोड नहीं चलता, ठीक है, टेबल फैन या सीलिंग फैन ये सब इस पे नहीं चलेगा, हम कितनी मेहनत कर लें वो इस पर नहीं चलेगा, टेबल फैन या सीलिंग फैन, ठीक है, क्योंकि आउटपुट में डीसी देता है और टेबल फैन, सीलिंग फैन, इंडक्टिव लोड हमारे एसी पे चलते हैं, इसलिए फेल हो जाता है। लेकिन कॉस्ट के हिसाब से बाकी जो इसके पर्पस मैंने आपको बताया, एलईडी बल्ब, टंगस्टन बल्ब और फोन चार्जिंग वगैरह, ये सब वो कर लेता है। अब पावर इन्वर्टर पे आते हैं। पावर इन्वर्टर में मैंने आपको पहले बताया सभी प्रकार के लोड चला देगा, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव और इंडक्टिव। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जितना इस पर मेंशन है 300 वाट, तो हम इसे 200 वाट के अराउंड यूज करेंगे। ये देखिए ऑन हो गया, छोटी सी बैटरी से चला रहा हूँ इसको, उससे भी ये वर्क करता है, देखिए ना, देखिए ये मैंने लगाया इसमें, ठीक है, तो आराम से चल काम करता है, कोई दिक्कत इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। बात यह है दोस्तों, पहले मैं इसको ऑफ करके बताता हूँ, ठीक है। जो पावर इन्वर्टर होता है इसका इस्तेमाल बेसिकली सोलर एनर्जी सिस्टम में, यानी सोलर पैनल के साथ ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आउटपुट में छोटे वाले जो पावर इन्वर्टर होते हैं वो चार्जिंग नहीं करते, बैटरी को रिवर्स में चार्ज नहीं करते, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है सोलर पावर, सोलर पैनल में, सोलर एनर्जी सिस्टम में रहता है। बाकी जो ये अवेलेबल अभी कम है, बाकी अवेलेबल होगा तो मैं लिंक आपको दूंगा, नहीं तो शेयर करूंगा कि कहाँ मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा, और इस वजह से लॉन्ग लाइफ ये होता है। अब मैं इससे आपको टेबल फैन चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। पावर इन्वर्टर से टेबल फैन चल जाता है, सीलिंग फैन भी चल जाता है, कन्वर्टर बॉक्स से नहीं चलेगा, ये मैं आपको चला के क्लियर कर देता हूँ। कॉस्ट बताऊँ तो इस पावर इन्वर्टर को मैंने 2000 रुपये के अंदर परचेस कर लिया था, ठीक है, 300 वाट का पावर इन्वर्टर है, इसको 2000 रुपये के अंदर अंदर मैंने परचेस कर लिया था। अब मैं टेबल फैन चला के देखता हूँ दोस्तों, मैं टेबल फैन चला के दिखाता हूँ आपको। कन्वर्टर बॉक्स से नहीं चलेगा मुझे पता है, और ज्यादा देर कन्वर्टर बॉक्स से टेबल फैन लगाऊंगा तो प्रॉब्लम करेगा, कन्वर्टर बॉक्स खराब भी हो सकता है, इसलिए मैं इससे नहीं लगाऊंगा, मैं पावर इन्वर्टर से चला के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लगा दिया, अब मैं ऑन करूंगा, देखिएगा
ठीक है, ये देखिए चल गया। और ये मैं इसको निकाल लूँ, ठीक है, ये रहा पावर इन्वर्टर, ये मैं इसमें ये लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पावर इन्वर्टर टेल फैन को चलाया जाता है, ठीक है। तो पावर इन्वर्टर इस तरीके से बहुत अच्छे से काम करता है, और मैंने आई होप आपको सही से समझा दिया होगा। और मैं इस पर टेल फैन चला के नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ये खराब हो सकता है, इस पर टेल फैन नहीं चलता, मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया होगा, और कैसे कैसे लोड आप इससे चला सकते हैं कन्वर्टर बॉक्स से, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। और कैसे कैसे लोड आप पावर इन्वर्टर से चला सकते हैं, मतलब कि सारे प्रकार के लोड चल जाते हैं, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, ठीक है। वो हमारे इसके 200 वाट के अराउंड रहेंगे, सब चल जाएंगे। छोटी सी बैटरी से ट्राई करा है, ऐसा नहीं कि मैं बड़ी बैटरी से, देखिए कार बैटरी से भी या सोलर बैटरी 40 से उससे भी ट्राई कर सकता था, मगर मैंने आपको दिखाया कि छोटी बैटरी से भी ये काम कर जाते हैं, ठीक है। छोटी बैटरी से भी सक्सेस है, और कितने एच की बैटरी है, ये 6 AH की बैटरी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो अच्छी लगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। चैनल से बने रहिए दोस्तों, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।